मगर एक महत्वपूर्ण आय का जरिया दिया। इससे गांव में रहने वाली इन महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव आया, उनके जीने का तरीका बदला, उनकी जीवन शैली में तरक्की आई। अब वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए ना परिवार पर आश्रित नहीं हुआ करती थी। अपनी इस नई आमदनी के लिए कैसा महसूस करती थी ये महिलाएं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अब पहले मैं 200 रुपये की हाजिरी पे थी, ठीक है। उसके बाद मेरा काम देखकर, मेरी आवड़त देखकर उन लोगों ने मुझे प्रोडक्ट्स मैनेजर बना दिया कि मैं आज अभी मैं सारे जितनी बहनें हैं उन लोगों का काम देखती हूँ, उन लोगों के सारे काम निकालती हूँ और उनके साथ काम करती भी हूँ। मैं दीपक अंकल के साथ 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। पहले हमारे घर पे काम लेके बनाते थे बत्तियाँ, फिर सर ने एक गोडाउन रखा, वहाँ पे बहनों को काम दिया और बहनों को मैंने काम सिखाया। जिन लोगों को काम नहीं आता था उसको बत्ती बनाना सिखाया। फिर सर ने जैसे जैसे मेरे काम देखा और मेरा काम आगे बढ़ता गया, वैसे मेरे को काम की पोस्ट मिली। धीरे धीरे आय में बढ़ोतरी होने से दीपक भाई के हौसले बुलंद हुए और इन्होंने अपने गांव की महिलाओं को अब प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। इस दौरान दूसरे अन्य व्यवसायी अच्छी खासी दर पर इन ट्रेंड महिलाओं को अपने पास काम पर रखते थे। दीपक भाई ने भी गांव की इन महिलाओं को बत्ती बनाने, इसकी पैकेजिंग करने आदि कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया और अपने सामान को शहरों में जाकर बेचने लगे। धीरे धीरे इनके बनाए उत्पाद की मांग गुजरात के अन्य शहरों में भी होने लगी। ग्राहकों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ी और अब ये गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी इसकी बिक्री करने लगे। ग्राहक के अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। कोई मुझे यार छोटी बत्ती बना के लाओ, कोई बोले कड़क दाढ़ी बना के लाओ, कोई बोले पोछी बत्ती बना के लेके आओ, कोई बोलता है घी ज़्यादा खाती है, कोई बोले घी ज़्यादा खावे ऐसी बत्ती बना के आओ। तो मैं अलग अलग प्रकार की बत्ती बनाता गया, छोटी बड़ी साइज, मीडियम साइज, हार्ड। फिर मैं उसके अंदर और अलग काम करने लगा कि भाई कलर वाली बत्ती बनाई, सुगंध वाली बत्ती बनाई, नीम की, तुलसी की, कपूर की, मैंथोल की, ये अलग अलग ऐसे डाल के। तो उसको दो फायदा था, एक तो घर में सुगंध की आती थी और रोग प्रतिरोधक शक्ति मिलती थी। कपूर की बत्ती जलाने से स्वाइन फ्लू नहीं होता है, मैंथोल की बत्ती जलाने से सर्दी कफ नहीं होती है। ये सोच कर उसके अंदर मैं वेल्यूएट का काम करता गया और अलग अलग साइज की, अलग अलग बत्ती, अलग अलग क्वालिटी की बहुत सारी वैरायटी बनी। कम से कम 150 प्रकार की बत्ती बना दी मैंने। एक छोटे से अंतराल में ही विजय भाई सोलंकी और दीपक भाई व्यास ने रुई बाती के छोटे से कारोबार को न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि राज्य से बाहर भी पहचान दिलाई। लेकिन बाजार की प्रतिस्पर्धा में अभी भी वो पिछड़ रहे थे। विजय भाई और दीपक भाई को अभी इस कारोबार में लंबी छलांग लगानी थी। अपने इसी प्रयास में वो गहरे विचार मंथन में जुटे रहे। इस तरह वो एक ऐसी खोज से जुड़े जिससे मिनटों में ही इसके उत्पादन को बढ़ा सकें। आमतौर पर अभी भी एक ही आकार प्रकार वाली रुई बाती बाजार में उपलब्ध थी। इस बात को महसूस करते हुए दीपक भाई और विजय भाई ने अलग अलग साइजों में और अलग अलग आकर्षक डिजाइनों की रुई बत्ती को बनाने पर जोर दिया। इसके लिए अलग अलग रंगों का भी इस्तेमाल किया गया। इस तरह इनका ये प्रयास रंग लाया और अब बाजार में उनकी बनाई गई रुई बत्ती की मांग बढ़ने लगी। हमारे यहाँ जो मशीन खरीदने आते हैं उन लोगों को हम यहाँ पे मशीन के साथ तालीम भी देते हैं, उनको ये भी सिखाते हैं कि बत्ती कैसी बनानी है, क्वालिटी वाइज जो बत्ती हमें चाहिए वो भी हम दिखाते, उनको पैकिंग भी दिखाते, उनकी जो पैकिंग करने का रूल्स होते हैं सब यहाँ पे सिखा के हम बहनों को और भाई को जिनको भी मशीन चाहिए हम उन लोगों को मशीन पूरी तालीम के साथ देते हैं। जैसे जैसे रुई बत्ती के कारोबार में इजाफा हुआ, दीपक भाई और विजय भाई ने इसे और अधिक बड़े पैमाने पर बढ़ाने का निर्णय लिया। हाथों से बनाई गई रुई बत्ती में कई प्रकार की कमियां थीं कि इसका साइज एक समान नहीं रहता था। बनाने के दौरान कपास की अधिक बर्बादी होती थी, महिलाओं की आय में खासा बदलाव नहीं हो पाया था, साथ ही बाजार में रुई बत्ती की बढ़ती मांग को पूरा करने में दिक्कतें आ रही थी। तभी इनके मन में विचार आया कि यदि इस कार्य को मशीन के द्वारा किया जाए तो अधिक से अधिक उत्पादन लेना भी संभव होगा और साथ ही कपास की बर्बादी से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा।
इस तरह इनके मन में मशीन से रुई बत्ती बनाने का विचार आया, परंतु इसे बनाया कैसे जाए इस बारे में अभी भी इनके पास कोई आइडिया नहीं था। दीपक भाई के मन में उपजे ऐसे विचार को इन्होंने अपने दोस्त विजय भाई से साझा किया। मशीन बनाने का जरूर तो चढ़ ही गया था, पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसमें मेरे भाई की कंपनी थी, उसमें ये विजय भाई जॉब करते थे, तो उनको मैं मिला, तो उनको मैंने काम करते देखा, वो सिक्योरिटी प्रोडक्ट अलग अलग बना रहे थे, तो मुझे लगा ये भाई मेरा काम कर सकते हैं। फिर मैं इनको बताया, मेरा अपने भाई मेरे को ये काम है आपका बत्ती की मशीन बनाने की है, जो अभी बहन जो हाथ से बनाती है, मैंने उसको दिखाया भी खरा कि ऐसे ऐसे हाथ से बनती है और ऐसे अपने को मशीन बनाने की है इसकी। विजय भाई बोले बत्ती का मशीन तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें बन जाओ या नहीं बन जाओ वो कह नहीं सकता, कितना टाइम लगेगा ये नहीं कह सकता, कितना खर्चा लगेगा वो नहीं कह सकता, अगर आप पूरी तरह तैयार हो तो ही हो सकता है। मैं बोला अभी हाल तो मेरे पास ऐसा कोई पैसा कैश नहीं है कि अपने ये करेंगे, लेकिन जो बिजनेस में पैसा कर रहा हो अभी उसी से भी एडजस्ट करता रहूँगा, तो आप एक काम करो मेरे भाई के पास जॉब छोड़ दो और अपने ये मशीन बनाने में लग जाओ, जो घर का खर्चा है वो मैं माल बेच के निकाल दूंगा, आपका खर्चा मेरा खर्चा और आंटी का खर्चा। विजय भाई और दीपक भाई ने सोचा कि क्यों ना कोई मशीन बनाई जाए जिससे हमारा कारोबार तेजी से आगे बढ़े। यहीं से इन दोनों के दिमाग में एक नई मशीन बनाने का शोध चलने लगा। पर अपने शोध को कारगर इन्होंने कैसे बनाया, इसमें कितना समय लगा, इसके बारे में कार्यक्रम में आगे जरूर जानेंगे। पर फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने दोस्त की आवश्यकता को महसूस करते हुए विजय भाई ने रुई पत्ती बनाने की मशीन के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया। से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत ग्रामीण शोधशालाएं में। विजय भाई और दीपक भाई के मन में हाथ से रुई बत्ती बनाने की जगह मशीन से रुई बत्ती बनाने का विचार तो आ ही चुका था, पर उस मशीन को आखिर बनाया कैसे जाए, ये एक बड़ा सवाल था और इसे लेकर अभी काफ़ी माथापच्ची चल रही थी। आखिरकार दोनों ने मिलकर कैसे रुई बत्ती मशीन का एक मॉडल तैयार किया, आइए इसके बारे में जानते हैं। इनसे झगड़ा करके हम दोनों की अच्छी मतलब वो कहा सुनी हो गई, झगड़ा करके पूरा परेशान हो गया, कुछ पैसा भी नहीं मिला था, 200 रुपया चाहिए था और 20 रुपया दिया था इन्होंने, तो पूरा मैं भी परेशान था, घर में भी 200 रुपये की ज़रूरत थी और मैं सब परेशान हो गया, सोच के रिक्शा में बैठा। यहाँ अहमदाबाद में सिस्टम है शटल रिक्शा की, तो आगे की जो सीट होती है उधर मेरा बैठने का मेरे को मिला, पीछे तो सब फुल था, तो मैं आगे बैठ गया। तो जैसे ही वो ऑटो वाला रिक्शा वाले ने जैसे ही रिक्शा स्टार्ट की और आगे चले हम लोग, तो बारिश गिरना शुरू हो गई, तो उसने वाइपर चालू किया। हालांकि मैं पूरा 15-20 दिन से यही आइडिया पे था कि भाई कोई ऐसी सिस्टम होनी चाहिए लीनियर सिस्टम कि वो ऐसे ऐसे आगे पीछे, क्योंकि मोटर एक ही डायरेक्शन में घूमती है, जबकि मेरे को 2 डायरेक्शन वाली मोटर चाहिए थी जो आगे भी चले और पीछे भी चले, तो ये वाइपर मेरे सामने ही ऐसे ऐसा घूम रहा था, तो उसी टाइम मेरे को स्ट्राइक हुआ कि ये परफेक्ट सिस्टम लगेगी अगर हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं वाइपर को, तो हम लोग बिना मतलब एक्सपेंसिव बहुत खर्चे किए बिना यही मोटर से हम लोग पूरी अप्स एंड डाउन्स दोनों चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने फिर दीपक भाई को सीधा घर पहुंच के दीपक भाई को फ़ोन किया कि भाई अभी अपना जो वो प्रॉब्लम था बत्ती गिराने का वो हम लोग शायद कंट्रोल कर लेंगे, अगर हमको एक वाइपर की मोटर मिल गई तो हम लोग जास्ती कुछ खर्चा नहीं होगा और पूरा का पूरा एक कंप्लीट सिस्टम, जैसे ये वाइपर है अगर आप इसमें सप्लाई देते हो 12 वोल्ट की तो ये अपने आप ऐसे घूमता रहेगा,
तो अपने को मतलब उसको कंट्रोल करने की दूसरी कोई सिस्टम, वैसे नॉर्मल डिजिटल सिस्टम आती है कि भाई उसको कंट्रोल आगे पीछे चलाने के लिए अलग अलग सर्किट लगानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो सब करने का टाइम भी नहीं था और पैसा भी नहीं था। अपने दोस्त की आवश्यकता को महसूस करते हुए विजय भाई ने रुई बत्ती बनाने की मशीन के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया। अपनी नौकरी छोड़कर दिन रात वो इसी प्रयास में लग गए। उनके इस प्रयास के लिए मेहनताने के तौर पर दीपक भाई ने आपस में एक राशि तय कर दी। लगातार शोध और अनुसंधान के बाद रुई बत्ती मशीन का निर्माण हुआ। जब शुरुआत की थी मैंने ये मशीन बनाने की तो कम से कम मेरे को 4 या 5 साल लग गए, एक प्रोटोटाइप POC डिज़ाइन करने में ही 4-5 साल लग गए थे। तो 4-5 साल में मैंने एक की मतलब वैसे तो बहुत मशीन बनाई, लेकिन धीरे धीरे जो प्रोडक्शन लेवल की है वो मशीन तो 4-5 साल के बाद में बनी। तो जो वो बनती थी उसको भी मैं मतलब मैं अकेला ही असेंबल करता था, मैं ही बनाता था, मैं ही उसमें वेल्डिंग ये सब मैं वही सब करता था। तो मेरे को एक मशीन में 7-8 दिन में बनाता था अकेला। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें टाइम बीतता गया, हम लोग सीखते गए उसमें से, और मैं खुद उसमें थोड़ी डिज़ाइन मैंने पूरी चेंज की है मशीन की। तो जो पहले बनी थी जो प्रोटोटाइप उससे बहुत चेंजेस हो गई, अभी पूरी इसमें मोल्ड बेस कर दी, पूरा सब मोल्ड लगा दिया, इसमें डाई लगा दी, सर्किटरी है वो सब पहले एनालॉग थी वो अभी डिजिटल हो गई है। तो वो सब डिज़ाइन करके करके अभी ऐसी कंडीशन आ गई कि अभी हमारे जो वर्कर है वो एक दिन में एक वर्कर 3 मशीन बना सकता है, और 6 वर्कर है तो मिलके एक दिन में वो सब मिलके 20-21 मशीन बना देते हैं। एक मशीन की कीमत हमारी 20,000 के आसपास है, 20,000 है, और हम चाहते हैं कि ये बहुत सी बहनों या जो गरीब बहनें हैं उसके पास ये हमारा मशीन पहुँचे और वो अपना रोज़गार कमा सके उसमें से। एक वक्त ऐसा भी आया जब विजय भाई और दीपक भाई को अपने शोध को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसी बीच दोनों की जिंदगी ने अचानक करवट बदली। इनोवेशन जो इवोल्यूशन होता है इनोवेशन का, ऐसा नहीं होता कि फटाक से मशीन बन गई और फटाक से हम लोग पैसा कमाने लग गए, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसकी जो इवोल्यूशन होती है उसमें बहुत से ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो सर्वाइव करना पड़ता है और इसके हिसाब से आपको कोई भी चीज़ आगे चलती है। विजय भाई के शोध कार्य की प्रशंसा देश की प्रसिद्ध संस्था NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन तक पहुंची। इस संस्था ने विजय भाई के कार्यों की प्रशंसा की और इनके द्वारा किए गए शोध को काफी सराहा। विजय का दिमाग था, तकनीकी दिमाग था, और दीपक भाई के पास व्यापार करने का तरीका था। तो जो विजय भाई हैं उन्होंने पहले जब मशीन बनाई थी, मुझे याद है ज्ञान की बोर्ड मीटिंग में हमने उसको लाए थे, क्योंकि ज्ञान जो है वो गुजरात के अंदर गुजरात सरकार के साथ मिलकर बनाया था इसको। तो जब पहली बार वो ज्ञान में लाए तो बहुत बड़ी मशीन थी, इतनी बड़ी, और सारे अस्थि पंजर उसके दिख रहे थे, खुला मतलब मशीन थी। वहाँ से आज आपने देखा होगा बहुत छोटी सी मशीन इतनी सी बन गई है, और बड़ी ये काम में जो अपने पंचाल भाई हैं उन्होंने मदद करी उसको रीडिज़ाइन करने में, और उसको कम खर्च का उसको छोटा मॉडल बनाया। लेकिन अगर इन्होंने बड़ी मशीन नहीं बनाई होती तो हम छोटे मॉडल को उसका डिज़ाइन बना नहीं सकते थे। अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए NIF ने आर्थिक सहायता के साथ साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान की। मुझे ये बात की खुशी है कि ये एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर महिलाओं को रोज़गार मिला। वो पहले बत्ती बनाती थी, दिया बाती तो बहुत सारा समय लगता था, जब समय लगता था तो उनकी रोजी उनको कम मिलती थी। अब ये मशीन बनाने से रोजी भी ज़्यादा मिलती है और उत्पादकता बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ गई इसकी, तो ये बहुत और मेहनत बहुत कम है इसमें, सुरक्षित है, कोई इसमें खतरा नहीं है। मशीन बनने लगी बाद में बहुत प्रॉब्लम आती थी बीच में, इसमें सॉल्व करते करते आगे बढ़ते गए। जो प्रॉब्लम आती थी मशीन में वो जो पहले इसमें बेल्ट लगी रहती थी, फिर बाद में हमने अपने तरीके से
उसमें चेन लग गई और आगे जाके अब मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यानी मशीन के डिजाइन एवं दूसरे अन्य कल पुर्जों की जरूरतों को पूरा करने में भी NIF ने विजय भाई और दीपक भाई की मदद की। मशीन इसकी बनाई है इनोवेटिव मशीन, जिसके माध्यम से बहनें घर का रोजिंदा काम करते करते हुए ये दियाबाती बना सकती है। और उन्होंने तीन अलग अलग मशीन बनाई है। जो पहली मशीन है वो सिंपल मॉडल है, दूसरी है सेमी ऑटोमेटिक और तीसरा है ऑटोमेटिक मशीन। इन तीनों मशीन के माध्यम से बहनें कोई भी अकॉर्डिंग टू देयर अफोर्डेबिलिटी मशीन बसा सकती है और घर का काम करते करते हुए 6 से 8 घंटे में 300 से 500 रुपया की आमदनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से कर सकती है। राष्ट्रपति भवन में जाके बहुत अच्छा लगा मेरे को, और जब मुझे अवार्ड मिला तो एकदम खुश हो गया। उसके बाद अवार्ड मिलने के बाद काफ़ी इज्जत भी मिल गई है, हम लोग सम्मान भी करते हैं। इस तरह एक आधुनिक बेहतर उत्पादन करने वाली और कम लागत वाली रुई बत्ती बनाने की मशीन तैयार हुई। इस समय बाजार में अलग अलग रेंज की ये मशीन उपलब्ध है, जिसे आसानी से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। ये जो मशीन है ये सैनिटाइजर मशीन है, UVC सैनिटाइजर बोलते हैं, जो कि एक UVC लाइट होती है, वो बैक्टीरिया वायरस है उसको मतलब किल करती है, और जो खाने पीने की चीज़ है उसको सैनिटाइज हो जाती है इससे। तो ये हम लोगों ने कोरोना के समय में बनाया है, जो 2-3 महीने का वो था समय, तो उसमें हमने ये डिज़ाइन किया और ये बनाया हुआ। हमारी कंपनी में और एक हमारे यही लक्ष्य है कि कोई संस्था या NGO हो, जो बेरोजगार बहनों हो उनको भी रोजगारी चाहिए, तो भी हमारे साथ जुड़ जाए तो कई लाखों बहनों को रोजगारी मिल सकती है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा प्रयास एक इंसान को कामयाबी की बुलंदियों तक कैसे पहुंचा देता है? आज का एपिसोड हमें इसी बात का संदेश देता है। हम आपको ऐसे ही ग्रामीण शोधकर्ताओं से अपने अगले एपिसोड्स में भी मिलवाते रहेंगे, बस आप हमारे खास कार्यक्रम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।